हताशा, निराशा, नकारात्मकता, पूरी दुनिया जैसे दर्द के सैलाब में डूबने को बेकरार है। पर क्या आप इन शब्दों को अपने जीवन में आने की अनुमति देंगे? यदि नहीं, तो आपको एक ऐसे शब्द का साथ देना होगा जो इस युद्ध में हमारे लिए निर्णायक होगा, और वो शब्द है हौसला। नमस्कार, मैं राजीव रंजन सिंह आपका स्वागत करता हूं। हौसले के साथ इस शब्द पे विचार कीजिए और अपने आप को इस युद्ध के लिए फिर से तैयार कीजिए। कहते हैं हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। आइए चलते हैं एक ऐसे प्रसंग की ओर। दक्षिण भारत में एक बहुत शक्तिशाली राजा रहा करते थे। उनका साम्राज्य चारों ओर फैलता जा रहा था और इसमें योगदान था उनके अजेय सेना का, और सेना में एक विशिष्ट हाथी की टुकड़ी थी। उस हाथी का नेता था ऐरावत। महाराज ऐरावत से बहुत प्रेम करते थे। ऐरावत इतना शक्तिशाली कि अकेले ही युद्ध में उसकी गर्जना से दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते थे। समय बीतता गया, महाराज की सीमाओं का विस्तार होता रहा। महाराज अब वृद्ध हो चले थे और उनका ऐरावत भी। महाराज ने ऐरावत को सेना की काम से मुक्त कर दिया और उसे खुले रूप से रहने की अनुमति दे दी। ऐरावत एक दिन तालाब के किनारे विचरण करने गया। जैसे ही वो तालाब में पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, ये क्या, दलदल में वो फंसने लगा। बहुत प्रयास किया ऐरावत ने, परंतु दलदल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला ही नहीं। बेचैनी में ऐरावत चिंघाड़ने लगा। इस चिंघाड़ को सुनकर सभी लोग वहां एकत्रित हुए। खबर महाराज तक पहुंची। महाराज भी दौड़ते भागते ऐरावत तक पहुंच गए। एक सेना की विशेष टुकड़ी भी साथ ले गए, लेकिन हाथी तो आखिर हाथी था, उसे निकालना असंभव। क्या करें महाराज, इसी उधेड़बुन में पड़े रहे। शायद उनके मन में एक ख्याल आया कि अब ऐरावत से बिछड़ने का वक्त आ गया है। ऐसे में महाराज का वृद्ध सेनापति वहां से गुजर रहा था। उसने महाराज से पूछा, महाराज आप किस परेशानी में गुम हैं? महाराज ने कहा, मेरा प्रिय हाथी ऐरावत इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश जितना करता है, उसमें उतना ही फंसता जा रहा है। इससे बाहर निकलने का कोई उपाय समझ ही नहीं आ रहा है। सेनापति ने कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक सलाह दूं। महाराज ने कहा, अवश्य। सेनापति ने कहा, महाराज तुरंत इस तालाब के आसपास युद्ध के माहौल का निर्माण कीजिए। नगाड़े बजवाइए, ढोल बजवाइए, ऐसा प्रतीत हो इस हाथी को कि युद्ध के लिए पुनः आप सज्ज हो रहे हैं। महाराज ने आश्चर्य से सेनापति की ओर देखा और कहा, इससे क्या होगा? सेनापति ने कहा, जरा ऐसा करके तो देखिए। महाराज ने अपने सेना के टुकड़ी को आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वहां ढोल नगाड़े से लैस सैनिक आ गए और उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया मानो युद्ध के लिए वो सज्ज हो गए। ये क्या, महाराज की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। ऐरावत, जिसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हार मानने की तैयारी कर ली थी, अब पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए हौसले के साथ बाहर निकलने का प्रयास करने लगा और धीरे 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 बाहर भी आ गया और महाराज के सामने आकर यूं खड़ा हो गया कि चलिए महाराज, हो जाइए मेरे पीठ पे सवार और पुनः एक और विजय यात्रा की गाथा हम लिखेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। कई बार हमारी मानसिक अवस्था हमें विषम परिस्थिति से बाहर निकाल लेती है, लेकिन वह अवस्था आपका साथ तभी देती है जब आप हौसले को अपने जीवन में सम्मिलित रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार पतले दुबले शरीर वाले व्यक्ति भी कई ऐसे अदम्य कार्य कर जाते हैं जिसे करने के लिए भारी भारी पहलवान भी छोटे पड़ जाते हैं। जी हाँ, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और हौसला यदि आपके जीवन में हो तो आप विषम परिस्थिति में भी विजय का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। आज हमारे सामने ऐसी ही कुछ परिस्थिति है। पूरे देश और पूरे विश्व में इस महामारी के खिलाफ हथियार ढूंढे जा रहे हैं। वैक्सीनेशन एक तात्कालिक उपाय नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में हौसले को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है ताकि हम इस लड़ाई में
मानवता की विजय का इतिहास रच सके। नकारात्मकता से रहिए दूर और सकारात्मक होकर हौसले के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऐसे में मुझे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां स्मरण हो आती हैं, जिसे आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। जी हां, पुनः एक नए शब्द के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, सोचते रहिए और अपने जीवन में हौसले का संचार करते रहिए। शुभ दिन।